सैबत आप सबों को भजन संहिता 145 अध्याय 1 से लेकर 3 पद तक चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हे हमारे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुम्हें सहारूंगा और तेरी नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कह करूंगा और तेरी नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति की योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। इन्हीं वचनों के साथ मैं आप सबों को इस ऑनलाइन साबत सभा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं कि इस प्रोग्राम से हम सबको परमेश्वर की आशीष मिले। चलिए इस सभा को आगे बढ़ाने से पहले हम सब अपना शीश झुका के प्रार्थना में जाएं। हे हमारे सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हम एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं। हम इस लायक ही नहीं कि आपके नाम को पुकार सके, लेकिन आपने हमें अपना कहा है और इसी विश्वास के साथ हम आते हैं। धन्यवाद देते हैं उन सभी आशीषों की, हमारे सब ज़रूरतें आपने पूरा किया। सब दुख तकलीफ दुर्घटना से हमें बचा के रखा है। विनती करते हैं कि हमारे जितने भी भाई बहन हैं उन पर आपके आशीष हो, उनके बच्चों पे आपकी आशीष हो और हमारे जितने भी बुज़ुर्ग हैं उन पर भी आपका दया हो। और विनती करते हैं कि अभी जब हम बाइबल के पाठ में जाएं, हम उस पर ध्यान से सुने और उस पर हम अमल कर सकें। हमारे सब ज़रूरतें आपने पूरा किया है, इससे ज़्यादा हम क्या मांग सकते हैं। हम लोग पापी हैं, हमारे सब पाप माफ़ कर और यीशु मसीह की आगमन के लिए हमें तैयार कर। ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Oh,
ये कुत्ते और उनके मालिक रोमांचित हैं कि एक साल के लिए स्वयंसेवक उनके समुदाय का हिस्सा बन गए हैं। युवा स्वयंसेवक यीशु के प्यार को साझा करने के लिए इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो में आए और आश्चर्यजनक रूप से इसमें कुत्तों की देखभाल शामिल है। कहानी तब शुरू होती है जब वैश्विक मिशन के अग्रणी युगल क्रिश्चियन और मैरीबल इस समुदाय में आए और उन्होंने पाया वहां कोई भी एडवेंटिस्ट नहीं है। हम पेशेवर लोगों के एक समूह तक पहुंचना चाहते थे जिन्होंने विभिन्न कारणों से चर्च को अपने दिल और जीवन में शामिल नहीं किया। इस उच्च मध्यम वर्ग के पड़ोस में लोगों के पास वह सब कुछ था जो उन्हें चाहिए, जैसे अच्छे घर और कारें। यहाँ पर चुनौतियाँ ये है कि लोग आसानी से अपने दिल नहीं खोलते। पहले हम चाहते थे कि वे अपने घरों के दरवाजे खोलें। क्रिश्चियन और मैरीबल ने यह पता लगाना शुरू कर दिया कि लोगों को वास्तव में किस चीज की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक बड़ा समुदाय था जिसे उन्होंने एक वर्ष के प्रवेश स्वयंसेवकों की एक टीम में भर्ती कराया ताकि उनकी मदद की जा सके। टीम ने खोज की कि समुदाय सदस्यों को वास्तव में अपने पालतू कुत्तों की देखभाल करने में मदद की आवश्यकता थी। काफी लोग ऐसे थे जो चाहते थे उनके कुत्ते घूमने जाएं और एक साल की स्वयंसेवक मिशन टीम ने उनकी मदद की और उन्होंने पालतू जानवरों के लिए स्वास्थ्य मेला भी आयोजित किया। कुत्तों की देखभाल से टीम के मालिकों का पता चला। हमारा उद्देश्य लोगों तक पहुंचना था, उनके साथ दोस्ती करकर और उनके साथ पार्क में घूमने जाकर। इन नए मित्र समुदाय के सदस्यों की वजह से हमने कुत्तों के लिए घूमने जाने की योजना बनाते समय हमने उनके लिए बाइबल अध्ययन का समय निर्धारण करना भी शुरू कर दिया। समय के साथ कई लोगों ने अपना हृदय परमेश्वर को दिया। मुझे खुशी होती है जब कोई यीशु को स्वीकार करता है। ये संतुष्टिदायक होता है जब लोग आशा और प्रेम के परमेश्वर को जानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। अब कुत्तों के घूमने और रिश्तों के निर्माण के कारण एक विश्वासियों की नई मंडली हर सब्बत इकट्ठा होकर आराधना करती है। कृपया इस समूह के लिए प्रार्थना करें जैसे ये इस बड़े शहर में यीशु के प्रेम को साझा करते हैं। वैश्विक मिशन अग्रणी जैसे क्रिश्चियन और मैरीबल के लिए और उनकी एक साल की स्वयंसेवक मिशन टीम के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर इक्वाडोर में जीवन बदलने के लिए उनका उपयोग कर रहा है। वेदना सब दूर करके मुझे नया जी।
हजारों में अति श्रेष्ठ है वो, श्रुति वंदना के योग्य वो। आप सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में जय मसीह की यीशु सहाय हैप्पी सैबत। आप सभी दर्शकों का स्वागत करना चाहती हूँ आज के हमारे सब स्कूल पाठ के अध्ययन में, और साथ ही साथ जो मेरे गेस्ट हैं आज हमारे सब स्कूल पाठ के अध्ययन में, पास्टर आरआर भारती, पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस, मैं आप दोनों का भी स्वागत करना चाहती हूँ आज के हमारे सब स्कूल पाठ के अध्ययन में। खुदा बाप को मैं लाख लाख धन्यवाद देती हूँ कि उसने हमें पूरे साल बचाया और इस 2021 में हमें देखने को दिया है ताकि हम सब मिलकर एक बार फिर से सब स्कूल पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। आइए इससे पहले कि हम अपने सब स्कूल पाठ के अध्ययन में आगे बढ़ें, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और पास्टर फ्रैंकलिन के साथ दुआ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर बड़ी ही संजीदगी के साथ हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। पिता परमेश्वर, अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आज के सब स्कूल पाठ को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते हैं, और जबकि आज के सब स्कूल पाठ के अध्ययन में प्रभु हम आगे बढ़ते हैं, हमें ज्ञान बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करें। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमें मसा करें कि जब हम आज के सब स्कूल पाठ को अपने श्रोताओं के साथ साझा करते हैं, प्रभु आज के सब स्कूल पाठ के द्वारा जो है आपकी महिमा और आपकी स्तुति होने पाए। हम सबके पाप और गुनाह को आप माफ़ करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम 2021 के पहले त्रिमास में हैं, और इस पूरे त्रिमास में हम यशया की पुस्तक के ऊपर अध्ययन करेंगे, और जिसका शीर्षक है मेरे लोगों को दिलासा दे।
आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे, आज पार्ट 3 है और आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है जब आपकी दुनिया अलग हो रही है। बहुत ही अच्छा शीर्षक है, जब आपकी दुनिया अलग हो रही है। आइए हम याद वचन के लिए अपनी बाइबिल खोल सकते हैं, यशया की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसका 9वां पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम लोग इस बात की प्रतीति न करो तो निश्चय तुम स्थिर न रहोगे। एक बार मैं फिर से पढ़ना चाहूँगी, यदि तुम लोग इस बात की प्रतीति न करो तो निश्चय तुम स्थिर न रहोगे। एक कहानी बताई जाती है कि एक साबत का दिन रहता है, दोपहर का समय रहता है, एक दंपति अपने एक लंबी यात्रा में, लंबे सफ़र में निकलते हैं और उनके घर से, उनके घर पे एक यार्ड होता है जहाँ पे एक मुर्गी एक लंबी उड़ान उड़ती है उनके सामने। और ऐसा होता है कि वो जो मुर्गी है बहुत ही सुनहरे कलर की मुर्गी रहती है, बहुत प्यारी मुर्गी रहती है, उनकी अंडे देने वाली मुर्गी रहती है। और अचानक क्या होता है कि वो मुर्गी पड़ोसी के एक कुत्ते के मुँह में चली जाती है। काफ़ी कोशिशों के बाद भी ये दंपति उसे बचा नहीं पाते, उसे पकड़ते हैं और अपने हाथों पे लेते हैं और उनके हाथों पे वो मुर्गी दम तोड़ देती है। ये सब घटना इस दंपति के इसी यार्ड में रहते हुए एक बतख देखती रहती है और उस बतख को क्या लगता है कि इस मुर्गी के मरने का कारण ये दंपति है। और जब जब ये बतख उनके पास जाती है तो उस दंपति के, उस लेडी के चोंच मारने लगती है। प्रियो, हम इस घटना से हमें ये लगता है कि हमारे जो जीवन है, हम मनुष्य जो हैं, हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता कि हमारा मित्र क्या है और हमारा कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। इस सप्ताह हम इसी पे चर्चा करेंगे, एक यहूदा के एक राजा को देखेंगे जिसके साथ भी यही समस्या थी और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उसने गलत चुनाव क्यों लिया। आइए हम आगे बढ़ेंगे अपने साबत स्कूल पाठ के अध्ययन में और अधिक जानने के लिए आइए मेरे साथ जो गेस्ट हैं उनके पास चलते हैं और रविवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए जिसका शीर्षक है उत्तर से खतरा, उत्तर से खतरा। और रविवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती, आपसे मैं जानना चाहूँगी, आप अपने विचारों को हमारे दर्शकों तक पहुँचाइए कि राजा आहाज को अपने शासन काल में किस भयानक संकट का सामना करना पड़ा। ये बहुत अच्छा सवाल मिसेस फ्रांसिस ने पूछा है हम तमाम के लिए, हमारे दर्शकों के लिए भी। और मैं आज अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इस सबत हम यशा की किताब के 7वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और 7वें अध्याय में एक राजा का जिक्र किया गया है जिसका नाम आहाज है और उसी राजा के जीवन से हम आज इस सबत के परिचय के द्वारा सीखेंगे कि जब हम देख रहे हैं हमारे चारों तरफ परेशानी हो, मुसीबत हो और हमारा जीवन बिखर रहा हो तो हमें ऐसे समय में हमें क्या सोचने की ज़रूरत है और हमें कैसा डिसीजन, कैसा निर्णय करने की ज़रूरत है। और जो अभी मिसेज फ्रांसिस ने सीखा कि राजा आहाज के शासनकाल में उसको एक बहुत ही भयानक संकट का सामना करना पड़ा और आगे भी मैं बताना चाहूँगा इसके साथ कि उसने इस संकट से उसने क्या सीखा। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि राजा आहाज जो है वो यहूदा का राजा है और वो जब 20 साल का था तो वो राजा बना दिया गया और वो अपने बुजुर्गों के चाल चलन पर नहीं चला। दाऊद का उदाहरण उसने अपने जीवन में नहीं लिया, जैसे दाऊद ने अपने लोगों की सेवा की, परमेश्वर की सेवा की, वो उस रास्ते से हट गया और उसने परमेश्वर को दरकिनार कर दिया और उसने दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियां बना करके, वेदियां बना करके उनकी उपासना उसने शुरू कर दी। यहाँ तक कि उसने जो हरे पेड़ थे जो उसको अच्छे लगते थे उनके नीचे भी जा करके वो धूप जलाने लगा और इससे परमेश्वर को बहुत बुरा लगा और परमेश्वर ने उसको सबक सिखाने के लिए, उसको सही रास्ते पर लाने के लिए उसने उसके जीवन में एक भयानक संकट जो है वो लेकर के आया जिसका मैं यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा राजा उसका 16 अध्याय की 7 और 8
और 9 आयत तक मैं पढ़ूंगा। लिखा है कि अते आहाज ने दूत भेजकर असूर के राजा तिगलित पलसेर के पास कहला भेजा, मुझे अपना दास वरन बेटा जानकर चढ़ाई कर और मुझे आराम के राजा और इसराइल के राजा के हाथ से बचा जो मेरे विरुद्ध उठे हैं। आहाज ने यहुआ के भवन में राजभवन के भंडारों में जितना सोना चांदी मिला उसे असूर के राजा के पास भेंट करके भेज दिया। उसकी बात मानकर असूर के राजा ने दमिश्क पर चढ़ाई की और उसे लेकर उसके लोगों को बंदी बनाकर कीर को ले गया और रसीन को मार डाला। यहाँ जो जिक्र किया गया है कि यहूदा का राजा आहाज जो था वो बहुत परेशान था, उसके ऊपर इसराइल के राजा पेका ने और जो सीरिया का राजा था रसीन उसने चढ़ाई की और चढ़ाई का ये नतीजा हुआ कि बहुत मारकाट की गई, बहुत लूटपाट की गई और रसीन ने एक ही रात में 120,000 सिपाहियों को मार डाला और बहुतों को बंदी बना करके वो लोग जो थे ये दोनों राजा जो हैं वो दमिश्क में उनके बंदियों को अच्छे अच्छे नौजवानों को वो पकड़ करके ले गए। और ऐसे समय में राजा आहाज जो था वो बहुत परेशान था और उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। और उसने जो दुश्मनों का दुश्मन था जो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो असीरिया का राजा था, जो अन्य जाति का राजा था, उसने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उसने अपने राजभवन से, परमेश्वर के भवन से और यहाँ तक कि धनी लोगों के घरों से भी सोना चांदी इकट्ठा करके उसने असूर के राजा दिलपसेर के वहाँ जो है उसने भेजा इस दरख्वास्त के तहत कि हे राजा तू मेरी रसीन से और पेका से जो है मेरे देश की, मेरे देशवासियों की जो है मदद कर। और उसने उसकी दावत को, उसके निमंत्रण को स्वीकार किया और उसने जो है वो सीरिया के ऊपर चढ़ाई करके वहाँ के बहुत से लोगों को मार डाला, वहाँ के राजा को मार डाला। और इससे जो है आहाज राजा ने देखा कि अब कुछ हद तक मेरी जो है समस्या हल हो गई है, मेरे देश के लोग और मेरा शासन जो है वो स्थिर हो गया है। लेकिन अजीजों मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ऐसे घड़ी में वो जो है अन्य जाति लोगों के पास जो है वो राजा आहाज गहा जो परमेश्वर ने जिसको चुना था, लेकिन उसने परमेश्वर को छोड़ दिया। और जब परमेश्वर ने उसको सबक सिखाने के लिए सारी लड़ाइयाँ जो है उसके देश के ऊपर की, ऐसी हालत में भी राजा आहाज परमेश्वर के पास नहीं आया और उसने जो है अन्य जाति लोगों के सामने हाथ फैलाए और उन्होंने जो है थोड़े समय के लिए उसको जो है राहत दी। लेकिन आने वाले समय में हम सीखेंगे कि उसका जो डिसीज़न था वो गलत साबित हुआ और उसके थोड़े समय के बाद फिर जो है लोगों ने चढ़ाई की और बहुत से लोगों को जो है बंदी बना करके ले जाया गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि राजा आहाज ने संकट के समय में भी परमेश्वर को नहीं पुकारा, उसने लोगों के ऊपर अपना विश्वास दिखाया, उसने लोगों के ऊपर जो है अपना हिम्मत जो है या अपना भरोसा जो है उनके ऊपर उसने दिखाया कि ये लोग मेरी मदद करेंगे। अगर परमेश्वर के पास वो आता तो शायद कहीं ज़्यादा अच्छा उसके लिए होता। तो आज हम आज के इस परिचय के द्वारा ये सीख रहे हैं कि हम सुखी और दुख में हम परमेश्वर के साथ रहें और उसी को हम पुकारते रहें। धन्यवाद देना चाहूंगी पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम सोमवार के पाठ पे चलेंगे और सोमवार के पाठ का शीर्षक है रोग का प्रयास। और सोमवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर फ्रैंकलिन आपसे मैं जानना चाहती हूँ, आप अपने विचारों को अपने हमारे दर्शकों तक लाइए कि राजा आहाज परेशान क्यों हुआ। हम यहाँ पर देखते हैं कि इससे पहले कि हम आज सोमवार के पाठ में आगे बढ़े जिसका शीर्षक है रोग का प्रयास, और इसके लिए हम यशा उसका 7वां अध्याय और उसके 3 आयत से लेकर 9 आयत तक जो है हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। और अभी ये देखा हमने कि पास्टर भारती ने हमें जो है राजा आहाज के बारे में बहुत कुछ जो है वो बता दिया और मैं उस पर और ज़्यादा जो है वो नहीं जाना चाहूँगा। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि राजा आहाज जो है जो कि यहूदा का राजा है, योतान का पुत्र है और उजिया का जो है वो पोता है, और उसी के शासनकाल के समय जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि रसीन ने और इज़राइल के राजा ने क्या कर दिया, उस पर जो है वो चढ़ाई कर दी।
और उसके बाद जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि वो चढ़ाई करने के बाद जब ये समाचार उसको मिलता है वो बहुत परेशान हो जाता है, बहुत चिंतित और बहुत उदास और निराश, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बहुत ही जो है वो डर जाता है। और ऐसे समय में परमेश्वर का वचन जो है वो यशा नबी के पास आता है और परमेश्वर जो है यशा नबी से कहता है कि तू अपने बेटे शरियासूब के साथ जो है क्या कर, राजा आहाज के पास जा और उससे जो है वो भेंट कर, क्योंकि ये समय है जबकि वो उन सारी पिछली घटनाओं को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान और बहुत ही ज़्यादा चिंतित है और डरा हुआ है और वो कांप रहा है। और ऐसे समय में उससे कर कि तू सावधान और क्या हो जा, शांत हो जा। और बड़े दुख की बात हम देखते हैं कि अभी पास्टर भारती ने हमें बताया, इससे बजाय कि वो ऐसे कठिन समय में अपना विश्वास अपना भरोसा जो है सच्चे परमेश्वर पर रखता, उसने क्या किया, संसारिक ताकतों पर जो है और राजाओं पर क्या किया, उसने अपना भरोसा रखा। और ऐसे समय में हम यहाँ पर देखते हैं कि फिर भी जो है परमेश्वर जो कि अनुग्रहकारी परमेश्वर है वो यशा नबी के द्वारा जो है वो क्या करता है, उसके पास एक संदेश भेजता है कि तुझे सावधान होने की तो ज़रूरत है पर तुझे डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। अरामियों के और रसीम के उस भड़के हुए गुस्से से या उनके जो है वो क्रोध से और तेरा मन क्या हो कि बिल्कुल भी कच्चा ना हो, क्योंकि मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि वे लोग कामयाब नहीं होंगे, उनको जो है वो जीत हासिल नहीं होगी। पर ये समय है कि तू क्या कर, अपने पापों से अपने गुनाहों से अपने गलतियों से जो पश्चाताप कर, जो तूने क्या किया है किया है, तेरा भरोसा जो है जो कि परमेश्वर पर होने के बजाय जो है तूने संसारिक लोगों पर क्या किया है वो भरोसा किया है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये संदेश लेकर यशा नबी जो है वो राजा आहाज के पास जो है वो जाता है। और मैं जल्दी से जो है आपके सामने चंद आयतें जो है वो पढ़ना चाहता हूँ जो कि यशा उसका सातवां अध्याय और उसके 3 आयत से ले जो है वो 9 आयत तक जो है हमें मिलता है। पर मैं जो है 7वें पद से 8 और 9 पद जो आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए प्रभु यहोवा ने ये कहा कि यह युक्ति ना तो सफल होगी और ना पूरी होगी, क्योंकि आराम का सिर दमिश्क और दमिश्क का सिर रसीन है, फिर एप्रोम का सिर शुमरोन और शुमरोन का सिर रमलिया का पुत्र है। 65 वर्ष के भीतर एप्रेम का बल इतना टूट जाएगा वो जाति बनी न रहेगी। यदि तुम लोग इस बात की प्रतीति ना करो तो निश्चय तुम स्थिर न रह सकोगे। यहाँ पर फिर परमेश्वर जो है उसको ये भरोसा दिलाना मांग रहा है, उसको विश्वास दिलाना मांग रहा है, अगर तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे, मेरी बातों को नहीं मानोगे तो क्या होगा, तुम जो है वो स्थिर नहीं रह सकोगे। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि राजा आहाज के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि वो क्या करे, अपने पापों से गुनाहों से खताओं से पश्चाताप करे और जो विश्वास जो भरोसा उसने परमेश्वर पर रखना चाहिए था जो उसने नहीं किया, और अभी भी जो है उसके पास एक मौका और है। और अगर वो अपना संपूर्ण विश्वास और भरोसा परमेश्वर पर रखता है तो परमेश्वर ने ये वायदा किया है कि वे लोग जिन्होंने उस पर चढ़ाई करी है, यहूदा पर चढ़ाई करी है, वो सफल जो है वो नहीं होंगे। धन्यवाद देना चाहूंगी पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम मंगलवार के पाठ पे चलेंगे जिसका शीर्षक है दूसरा मौका, दूसरा मौका। और पास्टर भारती, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि राजा आहाज ने परमेश्वर के दिए हुए अवसर को किस नज़रिए से देखा? मिसिज फ्रांसिस, आपने जो सवाल पूछा है कि राजा आहाज ने जो है जो परमेश्वर ने उसको मौका दिया उसको उसने किस तरीके सोचा, किस नज़र से उसने जो उसको देखा, इसके लिए मैं यहाँ जैसा कि किताब उसके 7वें अध्याय की 10, 11, 12, 13 आयत तक मैं पढ़ना चाहूँगा। लिखा, फिर यहोवा ने आहाज से कहा कि अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वह गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूँगा। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने सुन, क्या तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? ये 3 आयतों में जो है यहाँ पर आहाब राजा का जवाब जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। आहाब राजा का जो उत्तर है उसको जो है यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर ने आहाब राजा को, आहाज राजा को जो है मौका दिया कि अगर तू चाहता है तो मैं तुझे जो है ये मौका देता हूँ कि तू मेरे साथ बातचीत कर और तू मुझसे कोई निशान मांग और मैं तेरे लिए करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आहाज राजा जो है यहाँ पर कहता है कि नहीं, मैं परमेश्वर के पास नहीं आऊँगा, मैं परमेश्वर को मौका नहीं दूंगा, मैं परमेश्वर की परीक्षा नहीं करूँगा।
और वो अपने भविष्यवक्ताओं का जिक्र करता है कि मेरे बुजुर्गों ने जो है वो कभी परमेश्वर की परीक्षा नहीं की। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ परमेश्वर खुद कह रहा है कि तू मेरी परीक्षा कर, और आहाज राजा जो है परमेश्वर के कहने को वो दरकिनार कर देता है और वो कहता है कि नहीं, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा, मैं तेरी परीक्षा नहीं लूँगा। और यहाँ आज राजा जो है परमेश्वर को एक मौका भी नहीं देना चाहता कि परमेश्वर उसके लिए इंतजाम करे कि उसको विश्वास करने का मौका मिल सके। राजा आहाज को जो है वो विश्वास करने का मौका मिल सके, इस मौके को भी आहाज राजा परमेश्वर को नहीं देना चाहता, और उसने पूरी तरह से अपने दिल को जो है परमेश्वर के लिए उसने बंद कर लिया, अपने दिल के दरवाज़ों को उसने जो है मजबूती के साथ बंद कर लिया कि परमेश्वर जो है वो मेरे जीवन में जो है वो ना आने पाए, और उसने जीवते परमेश्वर का इनकार किया। जो परमेश्वर ने उसको मौका दिया था, उस मौके का आहाज राजा ने फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि उसको विपरीत तरीके से सोचा, उसको अलग नज़रिए से सोचा, उसने उसको अलग विस्तार के साथ जो है उसने देखा कि नहीं, मैं परमेश्वर के पास नहीं जाऊंगा, और उसने परमेश्वर को अपने जीवन में निमंत्रण आने का मौका जो है उसको नहीं दिया। धन्यवाद करना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम बुधवार के पाठ पे चलेंगे, और बुधवार के पाठ का शीर्षक है एक पुत्र का चिन्ह, एक पुत्र का चिन्ह। और पास्टर फ्रैंकलिन, बुधवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए यशया 7:14 के अनुसार एक महिला कौन है, एक बच्चा कौन है, और इमानुएल का अर्थ क्या है, आप अपने विचारों को हमारे दर्शकों तक पहुँचाइए। हम बुधवार के पाठ में हैं और जिसका शीर्षक है एक पुत्र का चिन्ह, और जब हम यशा 7:14 को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखता है कि सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जो है वो जनेगी। आपने तीन प्रश्न किए कि ये इसमें ये महिला कौन है, ये बच्चा या ये पुत्र कौन है, और इमानुएल का मतलब जो है वो क्या होता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये महिला जो है जो कि एक कुंवारी है, जिसको कि हम मरियम के नाम से जानते हैं, बच्चा जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, और इमानुएल का जो मतलब होता है कि परमेश्वर हमारे साथ। और ये तीनों जो शब्द है, हम जो मसीह लोग हैं हमारे लिए बिल्कुल भी नई बात जो है वो नहीं है। कुछ ही दिनों पहले हमने जो है वो क्रिसमस जो है वो मनाया है, और हमने यीशु मसीह को जो है वो क्या किया है, चरनी में जो है वो दिखाया है। और मैं इसी के साथ जो है इस बात को आप तक, आपके माध्यम से मैडम, दर्शकों तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि अब हम ये कोशिश करें कि अब हम प्रभु यीशु मसीह को जो है एक बच्चे के तौर पर, एक इन्फेंट के तौर पर जो है अब उसको चरने में दिखाना जो है वो हम बंद करें, क्योंकि अब यीशु मसीह जो है वो बच्चा नहीं रहा, यीशु मसीह जो है वो एक इन्फेंट जो है वो नहीं रहा, अब यीशु मसीह जो है बहुत व्यस्क हो गया, बहुत बड़ा हो गया, और अब जो है वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जो है वो हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसी संदर्भ में ये बच्चा जो है वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो है वो बात हो रही है। और कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि ये बड़ा अजीब सा लगता है कि एक कुंवारी से जो है एक बच्चा उत्पन्न होगा, एक बेटा जो है वो क्या होगा, वो उत्पन्न होगा। अगर हम संसारिक तौर पर बात करें तो ये थोड़ा सा समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पर हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर आप यशा उसका 55वां अध्याय और उसके 90वें पद को देखेंगे तो ये हमारा जो है वो सवाल का जवाब हमको जो है वो दे देगा। यहाँ यशा नबी लिखता है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। संसारिक तौर से जो है मैं और आपको समझने में बड़ा मुश्किल हो सकता है कि एक कुंवारी जो है वो कैसे बच्चे को जो है वो जन्म दे सकती है, और कहानियों को हम जानते हैं कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा जो है वो गर्भवती हुई थी। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि यशा नबी कहता है कि जो मैं और आप सोचते हैं वो, और परमेश्वर जो सोचता है, उसमें जमीन और आसमान का जो है वो फर्क है। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। परमेश्वर हर असंभव को जो है वो संभव में क्या कर सकता है, वो बदल सकता है। और तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि जो इमानुएल है, जिसका मतलब होता है कि परमेश्वर हमारे साथ, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर कि ये बात साबित होती है कि परमेश्वर जो है हमेशा अपने बच्चों के साथ साथ जो है वो रहता है। हम देखते हैं कि जब
शद्रक मेश दानियल के जो तीनों मित्र थे, जब उनको जो है वो सियों की मान में डाला गया, आग में डाला गया, तब भी जो है वो परमेश्वर उनके जो है वो साथ था। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण जो है मैं आपको दे सकता हूँ जो इस बात को साबित करती है, प्रमाणित करती है कि परमेश्वर जो है वो हमारे और आपके साथ हमेशा रहता। आज के परिवेश में भी जो है परमेश्वर जो है व्यक्ति के रूप में हमारे साथ उपस्थित नहीं है, फिर भी जो है उसकी पवित्र आत्मा जो है, जो कि त्रिएक परमेश्वर है, परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा क्या है कि वो हमेशा मेरे और आपके साथ साथ रहता है। तो कहने का मतलब मैडम यहाँ पर ये है कि जो इमानुएल शब्द है जिसका मतलब होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ था, परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हमारे साथ आने वाले भविष्य में भी जो है वो रहेगा। धन्यवाद देना चाहूँगी पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम बृहस्पतिवार के पाठ पे चलेंगे और बृहस्पतिवार के पाठ का शीर्षक है परमेश्वर हमारे साथ। और इस पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती, परमेश्वर हमारे साथ इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? ये जो है परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा है अपने लोगों के साथ कि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के साथ रहेगा। ये प्रतिज्ञा है परमेश्वर की। लेकिन अगर हम जो पास्टर फ्रैंकलिन ने अभी बताया उसके और थोड़ा आगे हम देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, जो यशायाह 7 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा है कि परमेश्वर जो है इमैनुएल के रूप में, जिसका मतलब पास्टर फ्रैंकलिन ने बताया कि परमेश्वर हमारे साथ, वो हमारे साथ रहेगा। और उसी चीज़ को मत्ती की किताब 28 अध्याय की आखिरी आयत में भी दिया है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। परमेश्वर इस वायदे को, इस प्रतिज्ञा को बाइबल में बार बार जो है वो दोहराता है अपने लोगों के साथ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूँगा, मैं तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूँ। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर जो है अपने लोगों के साथ वो बार बार करता है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इस प्रतिज्ञा का मतलब जो है वो ये नहीं है कि जो परमेश्वर के लोग हैं उनके बीच में दुख या परेशानियाँ नहीं आएंगी, या उनके जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, या उनके जीवन में जो है बीमारियाँ नहीं आएंगी। ये सब जो है परमेश्वर के लोगों के बीच में आती रहेंगी, लेकिन परमेश्वर जो है उनसे निकलने की ताकत उनको देगा, वो उनके साथ रहेगा, उनके कष्टों में भी जो है उनके साथ रहेगा और उनके कष्टों को इतना नहीं देगा कि वो उसको सहन ना कर सकें। जैसा भजन संहिता 23 अध्याय में भी लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से होकर के जो है वो चलूँ लेकिन मुझे कोई हानि नहीं होगी, चाहे मैं तराई से होकर के चलूँ तो भी जो है मुझे कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे लोटे और लाठी से जो है वो मुझे शांति मिलती है। और यशायाह की किताब में 43 अध्याय में लिखा है उसके दूसरे हाथ में कि जब तू गहरे जल से होकर के जाए तो मैं तेरे साथ साथ रहूँगा, नदियाँ जो हैं नदियों में होकर करके चले तो वो तुझे डुबा ना पाएंगी, और आग से होकर के चले तुझे कोई आँच नहीं लगेगी, तो जो है उससे कुछ तुझे कोई हानि नहीं होगी। तो यहाँ जो है परमेश्वर का मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ, कि वो हर एक परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हम हमेशा याद रखें कि परमेश्वर हमारे साथ है। जैसे पास्टर फ्रैंकलिन ने बताया कि डैनियल के दोस्तों के साथ परमेश्वर था जब उसको भट्टी में डाला गया, परमेश्वर स्तिपनिस के साथ था जब उसको पत्थरवा किया गया, परमेश्वर यूहन्ना जो है जो यीशु मसीह का चेला था उसके साथ था जब उसको एक अनजाने दीप पे जो है उसको जो है वो डाल दिया गया। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है, हमें उसकी मौजूदगी को हमेशा महसूस करना है कि हम चाहे कैसी भी स्थिति में हों, चाहे कैसी भी परिस्थिति में हों, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। चाहे अच्छी परिस्थिति हो चाहे बुरी परिस्थिति हो, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे साथ सच्ची जो है वो हमेशा, परमेश्वर हमारा सच्चा है, वो हमारे साथ साथ रहता है। धन्यवाद करना चाहूँगी पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम शुक्रवार के पाठ पे चलेंगे और शुक्रवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर फ्रैंकलिन आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमारे साथ है, इसका तात्पर्य क्या है? पास्टर भारती ने जो है इस पर बहुत अच्छे तरीके से प्रकाश जो है वो डाल दिया है और हम यहाँ पर देखते हैं कि थोड़े शब्दों में, एक दो वाक्यों में जो है मैं इसको थोड़ा सा और आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। इमानुएल का मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि परमेश्वर
उत्पत्ति में आरंभ में हमारे साथ था, परमेश्वर अभी हमारे साथ है, आने वाले समय में भी जो है वो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। और जैसे कि अभी हमने आज के सब स्कूल पाठ में सीखा है कि दुख, तकलीफ, मुसीबत, बीमारियां, परेशानियां, संकट या क्लेश हमारे जीवन में आती जाती रहेंगी, ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। क्यों? क्योंकि हम सब ने जो है वो पाप किया है, पर इन सब के बावजूद भी परमेश्वर ने हमसे और आपसे ये वायदा किया है, प्रतिज्ञा किया है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें असहाय नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा जो है वो तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। और जैसे भी पास्टर भारती ने बताया कि परमेश्वर हमें कभी भी इतना दुख नहीं देता है जो हमारे सहन से बाहर है। राजा आहास के जीवन से हमने एक बहुत अच्छी कहानी, जो एक बहुत अच्छा पाठ या सबक जो है वो सीखा है। हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने जानबूझकर जो वो सारी गलतियाँ करी हैं जिस पर कि हमने अभी सीखा हुआ, उसके बावजूद भी परमेश्वर उससे इतना प्रेम करता है, उसको मौके दर मौके देता चला जा रहा है, पर उसके बावजूद भी जो है वो कई बार अपने मनों को, हृदय को इतना कठोर जो है वो बना लेता है। उसी प्रकार से जो है कई बार परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में भी जो है ऐसी परिस्थितियां जो है वो लेकर आता है। वो नहीं चाहता कि हम में से कोई भी जो है वो नाश हो जाए, पर कई बार हम अपने आप को, अपने हृदय को इतना कठोर बना लेते हैं, हम उसकी बातों को अनसुनी करते हैं, हम उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हैं, हम अपने उन्हीं हटीलेपन में, उसी ढीठपन में जो है जीवन यापन करते चले जाते हैं, पापों में, गुनाहों में जो है वो धंसते चले जाते हैं। पर हमेशा परमेश्वर का वायदा रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। वो नहीं चाहता कि हम और आप क्या हो जाएं, वो नाश हो जाएं। और इसलिए अंत में सिर्फ मैं मिसेस एलिस आपके माध्यम से तमाम श्रोताओं को और हम सबों को जो है ये कहना चाहता हूँ कि आइए हम अपना संपूर्ण विश्वास और भरोसा जो है परमेश्वर पर रखें, क्योंकि परमेश्वर ही जो है वो आदि है और परमेश्वर ही जो है वो अंत है। अगर हमारा संपूर्ण विश्वास भरोसा परमेश्वर पर है, हम कभी भी अपने जीवन में क्या होंगे, असफल नहीं होंगे। ये हम देखते हैं कि परमेश्वर की शुरू से ही ये इच्छा रही है कि वो इंसान के साथ रहे। जी, जी। आदम और हवा के साथ था, वो उनसे बातचीत करता था। हमारे लोगों ने जो है जब परमेश्वर को छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर फिर भी उनके साथ था। जब मिस्र देश में चले गए, उन्होंने उनकी सुधि ली, उनको वहाँ से निकाला और रात को जो है वो आग के खंभे के द्वारा और दिन को जो है मेघ के द्वारा उनकी रहनुमाई करता था, उनके साथ रहता था। और बाइबल हम पाते हैं कि परमेश्वर ने ये वादा बार बार अपने लोगों के साथ दोहराया है। निर्गमन की किताब उसके 25:28 में भी लिखा है कि मैं तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूँ। परमेश्वर की ये बहुत दिली इच्छा है कि वो हमारे बीच में रहना चाहता है, हमारे जीवन में रहना चाहता है, हमारी कलीसिया में रहना चाहता है। और बाइबल की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य में कि नए स्वर्ग में भी, नई दुनिया में भी परमेश्वर हमारे साथ होगा। तो ये वादा परमेश्वर का शुरू से लेकर के आखिर तक इंसानों के साथ है और वो उनके बीच में, उनके साथ वो रहना चाहता है। धन्यवाद देती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, 2020 जा चुका है और हम 2021 में प्रवेश कर चुके हैं। 2020 हम सबों के लिए बहुत ही कठिन समय था, हम सब बहुत घबराए हुए थे, लेकिन आज हम साबस स्कूल में देख रहे हैं, पूरे साबस स्कूल का जो पार्ट था आज, तीसरा पार्ट, इसका पूरा निचोड़ यही था कि परमेश्वर हमारे साथ। 2020 की इस महामारी में जब हम घबराए हुए थे, जब हम परेशान थे, लेकिन हमने अपना विश्वास नहीं खोया। हम ये विश्वास करें कि परमेश्वर हमारे साथ है, और परमेश्वर हमारे साथ था जिसकी वजह से आज हम 2021 देखने पाए हैं। आइए हम जब 2021 में प्रवेश कर चुके हैं तो इस बात को ध्यान में रखें और इस बात को महसूस करें कि पग पग में हमेशा परमेश्वर हमारे साथ है। हम अपने जीवन का मकसद प्रभु यीशु मसीह को बनाएं, हम अपने जीवन जीने का कारण प्रभु यीशु मसीह को बनाएं, हम जिए या मरें प्रभु यीशु मसीह के लिए मरें, क्योंकि वो हमारे साथ है। उसका वायदा है कि वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा और न त्यागेगा। जब हम किसी मुसीबत में हैं, जब हम किसी परेशानी में हैं, आप एक बात ध्यान रखें कि प्रभु यीशु मसीह, चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलें, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा सब स्कूल लेसन आप सबों के लिए आशीष का कारण रहा होगा।
और इससे पहले कि हम अपने साबर स्कूल पाठ के अध्ययन को ख़त्म करें, मैं पास्टर फ्रैंकलिन का और पास्टर आर भारती का धन्यवाद देना चाहती हूँ। आइए प्रभु यीशु मसीह हम सबों को आशीष और बरकत दे। अपनी आंखों को बंद करें, साबर स्कूल पाठ का अध्ययन को ख़त्म करें और पास्टर भारती के साथ दुआ। आइए दुआ करें। हे जमीन और आसमान के बनाने वाले, इस दुनिया के सृष्टिकर्ता हमारे मालिक, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर तूने हम तमाम के साथ ये वादा किया है कि तू हमारे साथ है। और परमेश्वर हम अहाब के जीवन के द्वारा परमेश्वर सबक सीखें कि हम चाहे सुख में हों चाहे दुख में हों, हम हमेशा परमेश्वर को पकड़े रहें और परमेश्वर के उस वादे को हमेशा याद करते रहें कि जो परमेश्वर ने किया है कि मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहना चाहता है, इसलिए परमेश्वर हम तुझसे दुआ करते हैं कि तू हमारे तमाम दर्शकों के साथ हो, कि हमारे तमाम दर्शक और हम तमाम इस वायदे को याद करते हुए तेरी मौजूदगी को अपने जीवन में महसूस करते हुए तेरी उपस्थिति को जानते हुए खुदामंद जिंदगी के सफ़र पर आगे बढ़ें और दुनिया की तमाम बाधाओं को, तमाम रोगों को जो हमने 2020 में महसूस किए, खुदामंद उन तमाम को आग पार करते हुए हम 2021 में परमेश्वर तेरे वादे के साथ आगे बढ़ें कि तू हमारे साथ है और हमारी अगुवाई करेगा। हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाथों को हम उठाएंगे, तेरी वफा में गाएंगे, तू ही निशा हमारा है, नजर तुझ पे लगाएंगे, जीवन तू ही हमारा है, तू जान से भी प्यारा है, तू जिंदगी का धारा है, तुझ में ही डूब जाएंगे, यीशु तू ही है महान, तू ही है मेरी चट्टान, यीशु तू ही है महान, तू ही है मेरी मंजिल भी तू और रहनुमा, तेरे सिवा नहीं कोई, तू ही चौपान तू निगेबान, तेरे सिवा नहीं कोई, मंजिल भी तू और रहनुमा, तेरे सिवा नहीं कोई, तू ही तो मेहरबान तू ही तो पहचान है, तुझ पे ही तो ईमान है, तुझ पे ही जान लुटाएंगे, तू ही तो मेहरबान है, तू ही तो पहचान है, तुझ पे ही तो ईमान है, तुझ पे ही जा लुटाएंगे, ये
ही है महान, तू ही है मेरी चट्टान। हाथों को हम उठाएंगे, तेरी वफा में गाएंगे, तू ही निशा हमारा है, नजर तुझ पे लगाएंगे। येसु तू ही है महान, तू ही है मेरी चट्टान। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें मौका दिया है कि हम 2021 में आपके साथ परमेश्वर के वचन से बातचीत कर सकते हैं। परमेश्वर के निहायत शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने 2020 में हम तमाम की अगुवाई की, रक्षा हिफाजत की, दुख और बीमारी और ये मौका दिया कि 2021 में भी परमेश्वर के रहम और फजल से कदम रख सकें। हम आज आपके साथ परमेश्वर के वचन से बहुत अहम, बहुत ही खास अध्ययन और हिस्सा के वचन में दिया हुआ है उसके ऊपर हम आज बातचीत करना चाहते हैं कि इस 2021 में हमारा आचार विचार, हमारा चाल चलन, हमारा जीवन परिवार में, कलीसिया में और समाज में हमारा कैसा जीवन हो, इस विषय के ऊपर आज हम बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि मसीह लोगों का जीवन कलीसिया में जो है वो किस तरह का जीवन हो, और इसके लिए सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च ने कुछ एथिकल नियम, आचार विचार के नियम परमेश्वर के वचन से जो है उनकी रूपरेखा तैयार, और हमारे अध्ययन शास्त्र में और हमारे जो सिद्धांत जो किताब हैं उसमें जो है उनको, और हमारे नॉर्दर्न इंडिया यूनियन ऑफिस में भी जहां हम जो है कोर्टयार्ड का इलाका है वहां उनको दीवार पर लिख करके वहां उनको लगाया गया है, जिससे कि हर एक व्यक्ति उन आचार विचार संबंधी नियमों को, उस नियमों को जो है वो पढ़ सके, देख सकें और उनके ऊपर अपने जीवन को चला सकें, जिससे कि उनका जीवन जहां वो काम करते हैं, जहां वो रहते हैं, जहां वो परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाते हैं समाज में और कलीसिया में, वो किस तरह का व्यवहार, उनका आचार, उनका बर्ताव वो लोगों के साथ किस तरह का हो। आज परमेश्वर के वचन में हम इस विषय के ऊपर कुछ खोजबीन करने के लिए यहाँ मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूँ, और मैं आपको लेकर के चलना चाहता हूँ नए नियम की पहली किताब और उसके 18वें अध्याय में। 18वें अध्याय में जब हम जाते हैं तो इसके जो पहली आयत से लेकर के 5वीं आयत तक मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ इस तरह से लिखा है कि उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज में बड़ा कौन है। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। अजीजो मेरे दर्शकों, परमेश्वर के वचन का ये हिस्सा मत्ती की किताब 18 अध्याय और मरकुर की किताब उसके 9 अध्याय और लूका की किताब उसके 9 अध्याय में भी इन वाक्यांश को जो है, इन घटनाओं को, यीशु मसीह के जीवन के इन घटनाओं को जो है वो दर्ज किया गया है, और वो दिखाता है कि इन चीज़ों का, इन बातों का कितना महत्व है कि अगर हम जो है परमेश्वर के राज में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें क्या करने की ज़रूरत है। ये बहुत ही खास हिस्सा है परमेश्वर के वचन का कि परमेश्वर के
वचन में जो है मसीह के लोगों का जीवन बर्ताव बर्ताव सोच विचार जो है वो कलीसिया में एक दूसरे के साथ संबंध और किस तरह का जीवन जो है वो उनका समाज में हो। और यहाँ जो है बताया जाता है इस अध्याय के ऊपर अगर हम मनन करते हैं चिंतन करते हैं तो यहाँ बताया गया है कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ कपरनहूम से और गलील की तरफ का सफ़र जो है वो तय कर रहे हैं, गलील की तरफ को जो है वो यात्रा कर रहे हैं और यीशु मसीह अपने चेलों के आगे आगे चल रहे हैं और उनके चेले जो हैं वो उनके पीछे हैं। और जब चेले मसीह के पीछे हैं तो वो आपस में बातचीत करते हुए चल रहे हैं और वो अपने आप से और एक दूसरे से वो ये सवाल पूछते जा रहे हैं, ये मंथन करते हुए जा रहे हैं, ये सोच विचार करते हुए जा रहे हैं कि हम में जो है वो कौन बड़ा होगा, हम में जो है वो कौन बड़ा होगा, किसको जो है खुदावंद यीशु मसीह अपने राज्य में दाहिने हाथ पर बैठाएगा, किसको यीशु मसीह हम में से अपने बाएं हाथ पर बैठाएगा, ये हम में से बड़ा कौन है। ये सवाल यीशु मसीह के चेले आपस में बातचीत करते हुए इनके ऊपर मंथन करते हुए इनके ऊपर सोच विचार करते हुए वो जो हैं आगे बढ़ रहे हैं। और जब वो गलील में पहुंचते हैं एक घर में और वहाँ यीशु मसीह जो हैं अपने चेलों के साथ बैठ जाते हैं और उनके साथ बैठ करके बातचीत करने लगते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि सफ़र में ये लोग किस तरह की बातचीत कर रहे थे, ये आपस में किस विषय के ऊपर बातचीत कर रहे थे, इनकी सोच विचार सफर में वो कैसी थी। और यहाँ जो हैं खुदामंद यीशु मसीह उनके साथ बातचीत करने लगते हैं और वो चाहते हैं कि मैं अपने चेलों की जो दुविधा है उस दूर करूं, इनको सिखाऊं कि किस अपने जीवन को इस समाज में अपने कलीसिया में अपने चर्च में अपने परिवार में हमें किस तरह से अपने जीवन को जो है लेकर के आगे बढ़ना है। और यहाँ उनको जो है वो उत्साहित करते हैं और यीशु मसीह के चेले उत्साहित होकर के वो खुदामंद यीशु मसीह से ये सवाल पूछते हैं कि हे प्रभु तेरे राज में स्वर्ग के राज में कौन बड़ा होगा। और यीशु मसीह उनको समझाने की नीयत से उनको सुधारने की नीयत से जो है बातचीत करते हैं और उनके बीच में एक छोटे बालक को जो है वो खड़ा करते हैं और छोटे बालक के उदाहरण के द्वारा वो उनको सिखाना चाहते हैं, वो उनको समझाना चाहते हैं कि देखो ये बच्चा जो है तुम्हारे बीच है, तुम इसको देखो और इसके जीवन को देखो। और यहाँ जो है वो उनको बताना चाहते हैं कि देखो जिस तरह से ये छोटा बच्चा जो है वो नम्र है, हलीम है, बहुत हम्बल है और इसके जीवन में ह्यूमिलिटी पाई जाती है। जब तुम अपने जीवन को देखो तो इस बच्चे के जीवन को अपने जीवन के सामने रखना कि बच्चा जो है वो कभी भी अपने आप को आगे नहीं बढ़ा था, छोटा बच्चा जो है वो हमेशा अपने आप को पीछे रखता है। वो छोटा बच्चा अगर उसकी बच्चों के बीच में जो है वो अनबन भी हो जाती है तो वो अपने साथियों को माफ़ कर देता है और भूल जाता है, वह हमेशा सीखने की इच्छा रखता है, वो हमेशा चाहता है कि वो अपने जीवन में जो है वो सीख, उसकी अपनी इच्छा जो है उसको वो पूरी नहीं करता और अधिकार से जो है उसका कोई लेना देना नहीं, वो अपने आप को जो है कभी ऊंचा दिखाने की कोशिश नहीं करता, वो अपने आप को कभी बड़ा बनाने की कोशिश नहीं करता, वो अपने आप को छोटा बनाकर रखता है और अपने आप को पूरी तरह से जो है वो अपने जीवन को जो है वो लोगों के सामने रखता है, उसका जीवन स्वच्छ साफ सुथरा और एक अच्छा जीवन जो है वो बच्चे का हमारे सामने होता है। और यहाँ यीशु मसीह अपने चेलों को इस बच्चे के जीवन के द्वारा वो सिखा रहे हैं कि तुम्हें अपने आप को जो है नम्र बनाना है, तुम्हें अपने आप को हलीम बनाना है, तुम्हारे जीवन में जो है
नम्रता जो है वो पाई जाए और तुम कभी भी अपने आप को एक दूसरे से अच्छा ना समझो, तुम कभी भी अपने आप को एक दूसरे से बड़ा ना समझो, तुम कभी भी अपने आप को एक दूसरे से आगे बढ़ाने की जो है या ऊंचा रखने की कोशिश जो है वो तुम ना करो, बल्कि सीखने की इच्छा रखो, एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ने की इच्छा रखो। और अगर तुम्हारे बीच में कोई तुम्हारे साथ कोई गलती कर देता है, तुम्हें जो है वो कुछ बुरा बोल देता है, तो उसको माफ़ करने की भी जो है इच्छा तुम्हारे हो बीच में हो और उसको भूल जाने की जो है वो समझ रखो। और इसके लिए तुम्हें आज अपने जीवन को जो है पूरी तरह से विपरीत दिशा में जो है अपने जीवन को मोड़ करके आपको खड़े होना है कि अगर आप सामने देख रहे हैं तो पूरी तरह से पीछे की तरफ घूम जाना है, क्योंकि जो आज आपका जीवन है वो एक ऐसा जीवन नहीं जो आपको स्वर्ग के राज में ले जा सके। आज आपका जीवन ऐसा नहीं जो आपको परमेश्वर के राज में ले जा सके। उस बच्चे के जीवन के द्वारा दूसरी बात, खुदामंद यीशु मसीह अपने कलीसिया को अपने लोगों को जो है वो सिखाना चाहते हैं कि जिस तरह से बच्चा जो है वो दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है, अपने माता पिता के ऊपर निर्भर रहता है, अपनों से बड़ों के ऊपर निर्भर रहता है, इसी तरह से हमें जो है परमेश्वर के ऊपर जो है वो निर्भर रहना है। जिस तरह से बच्चा जो है वो कभी नहीं सोचता कि वो अकेला जीवन के समस्याओं का, जीवन की चुनौतियों का जो है वो सामना कर सकता है, बल्कि वो हमेशा सोचता है कि जो लोग मुझे प्यार करते हैं, जिनके ऊपर निर्भर रहता हूँ, जो मेरी देखभाल करते हैं, जो मेरी परवरिश करते हैं, जो मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, जो मेरे लिए खाने पीने का इंतजाम करते हैं, मैं उनकी मदद से जीवन की चुनौतियों का सामना कर पाऊँगा। क्योंकि अजीजो, यहाँ बच्चा जो है, जो छोटा बच्चा है, उसके अंदर इतनी समझ, उसके अंदर इतनी ताकत, उसके अंदर इतनी बुद्धिमानी जो है वो नहीं होती कि वो दुनिया का मुकाबला अकेला जो है कर सके। अजीजो, यीशु मसीह, खुदामंद यीशु मसीह परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बच्चे हो और तुम मेरी समझ से, मेरी ताकत से इस दुनिया का मुकाबला, इस दुनिया की चुनौतियों का मुकाबला तुम मेरी मदद से जा कर सकते हो। इसलिए अपने आप को मेरे ऊपर निर्भर रखो, अपने आप को मेरे ऊपर जो है वो तुम डिपेंड रहो और मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा, मैं तुम्हारी अगुवाई करूँगा, मैं तुम्हें संभालूँगा और तुम्हें ताकत दूँगा, समझ दूँगा और बुद्धि भी दूँगा कि तुम मेरी मदद से ज़िंदगी के सफ़र पर आगे बढ़ सको और मेरी ताकत से दुनिया की चुनौतियों का मुकाबला कर सको। अजीजो, छोटा बच्चा जो है वो जिस तरह से पूरी तरह से निर्भर रहता है अपने बड़ों पर, अपने माता पिता पर, उसी तरह से पूरी तरह से हमें खुदामंद यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर हमें जो है वो निर्भर रहना है। तीसरी चीज़ इन आयतों में खुदामंद यीशु मसीह उस बच्चे के उदाहरण के द्वारा सिखाना चाहते हैं कि हम जो हैं अपना भरोसा अपने माता पिता के ऊपर रखें, हम अपना भरोसा अपनों से बड़ों के ऊपर रखें, अपने अजीजों के ऊपर हम जो हैं अपना भरोसा रखें। जिस तरह से एक छोटा बच्चा अपने माता पिता में भरोसा करता है कि मेरे माता पिता जो है वो हमेशा मुझे अच्छी सलाह देंगे, वो मेरे लिए अच्छा सोचेंगे, वो मेरे लिए अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे और उसी तरह से वो जो है मेरे लिए खाने पीने का इंतजाम करेंगे, मेरी देखभाल करेंगे, मेरी हिफाजत करेंगे और मुझे प्यार करेंगे। अजीजो, खुदामंद यीशु मसीह अपनी कलीसिया को, अपनी कलीसिया के लोगों को यहाँ सिखाना चाहता है कि हमें जो है वो परमेश्वर यीशु मसीह पर भरोसा करना है, जो हमारी देखभाल करता है, जो हमें अच्छा स्वास्थ्य देता है, जो हमें मौके देता है कि एक साल से दूसरे साल में जो है वो हम प्रवेश कर सकते हैं, वो हमारी हिफाजत करता है दुख और बीमारियों से।
गुजरे हुए समय में हमने बहुत ही दुख और परेशानियों का सामना किया, गुजरे हुए साल में हमने जो है बहुत ही ख़राब समय जो है वो देखा, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर ने हमें जो है बचा करके अपने रहम और फजल से अपनी नज़दीकी में रखा है। और ये 2021 परमेश्वर ने हमें देखने के लिए दिया है। अजीजो, हमारा विश्वास और भरोसा परमेश्वर पर हो कि जिस तरह से छोटा बच्चा जो है वो बिना कुछ सोचे हुए, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी जो है पक्षपात के, वो अपने बड़ों पर, अपने माता पिता पर भरोसा करता है और वो जो कुछ उसको करने के लिए कहते हैं उनको जो है वो करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अजीजो, पिता परमेश्वर हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर हमारा बाप है, हमारा माता पिता है और उसको हमारी चिंता है, उसको हमारी चिंता है। अजीजो, हमारे दर्शकों, मेरे प्यारे दर्शकों, खुदामंद यीशु मसीह मेरी और आपकी परवाह करता है, मेरी और आपकी चिंता करता है कि हम इस दुनिया में किस तरह से हैं, हमारा जीवन जो है वो किस रास्ते पर चल रहा है, हम किन चुनौतियों का सामना करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके भविष्य को जानता है। आने वाला समय परमेश्वर के सामने जो है वो खुली किताब की तरह है, हमें जो है शायद वो आज नहीं दिखता, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ जानने वाला है और वो आने वाले समय के लिए मुझे और आपको तैयार करता है कि हम अपने पिता परमेश्वर पर भरोसा करते हुए, हम जो हैं उसके ऊपर निर्भर रहते हुए, हम उसको जो है अपने जीवन को हलीम बनाते हुए, हम जो हैं ज़िंदगी के सफ़र पर हम लोग जो हैं वो आगे बढ़ें और परमेश्वर जो है वो हमारी अगुवाई करेगा, हमारी रक्षा करेगा, हमारी देखभाल करेगा, हमारी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरतों को जो है वो पूरा करने की कोशिश करता है जिसकी हमें सख्त ज़रूरत है। अजीजो, आज परमेश्वर जो है वो मुझे और आपको चाहता है कि हम अपने जीवन में बच्चे के रूप में जो है बच्चे का अपने जीवन में, बच्चे को जो है अपने जीवन में उसका स्वागत करें, बच्चे की तमाम जो खूबियां हैं उनको अपने जीवन में स्वागत करें, हम जो है बच्चे की तमाम जो अच्छी चीज़ें हैं, जो उसका जीवन है, उसका स्वागत करने के लिए हम हमेशा तैयार रहें और अपने जीवन की परमेश्वर की मदद से जो है वो एक अच्छा मसीह जीवन, हम जो हैं एक अच्छा गुड क्रिश्चियन लाइफ जो है इस जीवन में हम जो हैं जीने की कोशिश करें और हमारा जीवन हमारे एक दूसरे के लिए, जब हम इस दुनिया में सफ़र करते हैं तो एक दूसरे के लिए हमारा जीवन आशीष का जीवन हो सके। अजीजो, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर हमारी जो है वो देखभाल करता है और वो चाहता है कि हम बच्चे के जीवन को अपने जीवन में हम जो हैं वो स्वागत करें और उसको अपने जीवन में अपनाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम ये इसलिए करें क्योंकि हम बच्चे को प्यार करते हैं, हम जो हैं बच्चों को प्यार करते हैं, माता पिता अपने बच्चों को प्यार करते हैं और हम भी जो हैं अपने बच्चों को प्यार करते हैं और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने परिवार में, अपने चर्च में, अपने समाज में हम छोटे बच्चों को प्यार करें, अपनी कलीसिया में जो है छोटे बच्चों को प्यार करें, उनके जीवन को जो है हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और ये हम इसलिए करें क्योंकि हम उन अपने चर्च में छोटे से छोटे लोगों को प्यार करते हैं, उनको हम सच्चा रास्ता, सही रास्ता जो है उनको दिखाने की कोशिश करें जिससे कि हमारा जीवन उनके लिए आशीष का जीवन बन सके। अजीजो, हम जो हैं इसलिए करें क्योंकि बच्चे के रूप में मसीह को जो है हम देखने की कोशिश करें, या बच्चों के जीवन में मसीह को जो है हम देखने की कोशिश करें और उनके साथ वैसा ही आचार विचार, उनके साथ वैसा ही बर्ताव, उनके साथ जो है वैसी ही बातचीत करें जिस तरह से हम
मसीह के साथ हम बातचीत करते हैं, हम उनका उसी तरह से आदर और सम्मान करें, हम उनको उसी तरह से प्यार करें, हम उनकी अगुवाई करें, क्योंकि हम उनको अब उनके जीवन में हम मसीह को देख रहे हैं। और ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने हम तमाम को दी है। परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में रहते हुए ये मौका दिया है कि हम बच्चों को जो है अपने जीवन में जो है वो ग्रहण करें, उनकी देखभाल करें, उनकी परवरिश करें, उनका ध्यान रखें और उनको आगे बढ़ने की जो है वो हम उनको शिक्षा दे सकें। आइए हम जो है आगे बढ़ते हैं। और मैं दूसरा बताना चाहता हूं आपको कि ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दी है और इसके लिए मैं मत्ती की किताब उसका 18 अध्याय और उसकी 6 आयत से लेकर के 9 आयत तक यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, पर जो कोई इन छोटों में से मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यहाँ मैंने अभी 6 और 7 आयतें जो हैं यहाँ पर पढ़ी है और यहाँ पर हमें दिया गया है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन छोटे बच्चों को जो है उनको हम जो है किस तरह से उनकी अगुवाई करते हैं, हमारा जीवन उनके सामने कैसा जीवन है, क्या हमारे जीवन के द्वारा उनको ठोकर लगती है। और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आपके समाज में, आपकी कलीसिया में, आपके जीवन के द्वारा इन छोटों में से छोटों को जो है कोई ठोकर लगती है तो उसकी सजा आपके लिए बहुत बड़ी है। इसलिए हमारा जीवन जो है वो ऐसा हो कि हम जो हैं हम दूसरों को जो है हमेशा माफ़ करना सीखें, हम दूसरों के लिए जो हैं वो ऐसे गड्ढे ना खोदें कि जिससे वो भी जो है वो गुनाह में पड़ सकें। अजीजो, ये एक बहुत बड़ा गुनाह जो है परमेश्वर के वचन में इसको बताया गया है कि अगर मेरे जीवन के द्वारा ऐसे हालात, ऐसी परिस्थिति, ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जिससे कि दूसरा व्यक्ति, दूसरा हमारा चर्च का जो है व्यक्ति है वो गुनाह करने के लिए बाध्य हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह है जिसको परमेश्वर जो है वो कहता है कि ये माफ़ करने लायक नहीं। अजीजो, अगर मेरा जीवन जो है वो लोगों को जो है वो गुनाह की तरफ ले जाने में जो है वो मदद करता है तो मेरे जीवन के ऊपर परमेश्वर कहता है कि हाय ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसके द्वारा दूसरे व्यक्ति को जो है वो ठोकर लगती है। ठोकर लगना जो है वो ज़रूरी है लेकिन वो मेरे द्वारा ना हो, क्योंकि मसीह लोग जो हैं जब समाज में जाते हैं, जब दुनिया में जाते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं तो उनको दूसरे लोगों के द्वारा, गैर मसीह लोगों के द्वारा जो है वो ठोकर जो है अगर लगें तो उसमें जो है कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बड़ी बात इसमें ये है कि अगर मसीह व्यक्ति को, एक जो है चर्च के मेंबर को, अगर दूसरे चर्च के मेंबर के द्वारा ठोकर लगती है तो खुदा का कलाम उसको कहता है कि हाय उस मसीह के, मसीह व्यक्ति के ऊपर जो दूसरे को जो है गुनाह करने के लिए बाध्य करता है। इसलिए हम जो हैं अपने जीवन के द्वारा ऐसा वातावरण तैयार करें, ऐसा जो है हम माहौल तैयार करें कि जो लोग गुनाह करने की तरफ जा रहे हैं वो भी उस रास्ते को छोड़ कर के परमेश्वर के रास्ते पर जो हैं वो आ जाएं। हम उनके रास्ते के जो पत्थर हैं हम जो हैं उनको हटाने में उन लोगों की जो है मदद करें, हम उन छोटे में से छोटों को जो है वो अपना भाई, अपना समा, अपने अपने परिवार का एक मेंबर जो है होने के नाते उनको दिल से जो है वो स्वीकार करें। क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वचन 6 और 7 आयत में कहता है कि इन बच्चों के जो फरिश्ते हैं, हर एक व्यक्ति के पास, जो परमेश्वर का वचन बताता है कि हर एक व्यक्ति के साथ परमेश्वर का फरिश्ता जो है वो रहता है। और अगर हम इन छोटे व्यक्तियों के, जो छोटे बच्चे हैं,
अगर हम उनको जो है गलत काम करने की तरफ ले जाते हैं तो उनके फरिश्ते परमेश्वर के सामने हमेशा खड़े रहते हैं और वो उनकी मदद करने के लिए परमेश्वर के पास जाने की जो है एक्सेस उनके पास रहती है। इसलिए बच्चे जो हैं परमेश्वर की नज़र में बेशकीमती हैं, उनका जीवन जो है वो बेशकीमती है और परमेश्वर जो है उनकी कीमत को एक बहुत बड़ी कीमत की वजह से उनको जो है देखता है। इसलिए हमारा जीवन एक आशीष का जीवन हो। मैं आज अपने इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री के द्वारा अपने तमाम चर्च मेंबर्स को, अपने तमाम मसीह लोगों को ये आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारा जीवन एक दूसरे के लिए आशीष का जीवन हो। हम अपने परिवार में, हम अपने चर्च में, अपने समाज में किसी को भी जो है वो छोटा ना समझें, बल्कि उनको बराबर का दर्जा दें। हम कभी कभी अपने कलीसिया में लोगों को जो है वो कुछ लोगों को छोटा समझने की गलती करने लगते हैं। वो कभी कभी आप सोचते हैं कि ये छोटा व्यक्ति है, इसकी शिक्षा जो है वो मेरे बराबर नहीं, इसकी आर्थिक दृष्टि जो है वो मेरे बराबर नहीं, इसका समाज में सम्मान जो है वो मेरे जैसा सम्मान नहीं, और ऐसा सोच करके हम उनको अपने बराबर का दर्जा उनको नहीं देते। अजीजो, मुझे ये देख करके बहुत दुख होता है कि मैं एक दिन एक चर्च में गया और जब मैं चर्च में बैठा हुआ था तो मैंने देखा कि उस बड़े चर्च में एक भूतपूर्व खजांची जो हैं वो आकर के चर्च में बैठे, और जब वो आकर के बैठे और उन्होंने अपने आसपास में देखा तो उन्होंने देखा कि एक चपरासी जो है जो उनके ऑफिस में काम करता है वो उनके बराबर में बैठा हुआ है, और उसको वो देख करके अपनी सीट से खड़े होकर के वो दूसरी बेंच पर जा कर के बैठ गए। अजीजो, मैं जब उस चर्च में बैठा हुआ था तो मैं यही सोच रहा था कि हम हमारे समाज में जो छोटा काम करते हैं, जिनके पास छोटी जिम्मेदारी है, हम उनको किस नज़र से देखते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि ऐसा व्यक्ति का जीवन वो आशीष का जीवन नहीं। इसलिए हम जो हैं, ये परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम उनके अपना हमारा जीवन जो है उनके लिए ठोकर का कारण बनता है तो हमारे लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ी सजा रखी है। और यहाँ जो है हम आगे जो है यहाँ छठी आयत में ही लिखा है कि यहूदी लोग जो थे इस सजा को बहुत बुरी सजा मानते थे, कि जो यहाँ सजा मुकर्रर की गई है कि जो छोटों को जो है ठोकर खिलाता है वो उसके गले में बड़ी चक्की का पार डाल करके जो है उसको गहरे समुद्र में उसको डाल दिया जाए। ये जो है शिक्षा यहूदी लोग अपने जीवन में मानते थे और ये सजा उनके लिए बहुत बड़ी सजा थी। और ये चक्की का पार्ट वो छोटा पार्ट नहीं, जो चक्की पुराने ज़माने में घरों में चलाई जाती थी जिससे अपने अपने घर में जो है वो आटा पीसा जाता था, बल्कि ये चक्की का पार्ट वो पार्ट है जिससे पूरे गांव का आटा जो है वहाँ पिसाया जाता था। और उसको चलाने के लिए हमें एक खच्चर की, हमें जो है एक गधे की जो है वो ज़रूरत पड़ती थी, और गधा जो है उस पार्ट को घुमाता था और तब उससे आटा पीसता था। वो एक बहुत भारी पत्थर होता था। और यहाँ लिखा है कि जो छोटे व्यक्तियों को, जो छोटे चर्च मेंबर को, जो जो है हमारे समाज में जो है जिनका स्तर हम छोटा स्तर सोचते हैं, अगर ऐसे व्यक्ति को कोई जो है वो मसीह व्यक्ति ठोकर खिलाता है तो ये परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है कि वो बड़ा चक्की का पाठ उसके गले में डाल करके उसको गहरे समुद्र में जो है वो डाल दिया जाएगा। यानी कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है कि अगर मेरा जीवन जो है वो दूसरे के लिए ठोकर का कारण बनता है तो मेरी सज़ा ये होगी कि मेरा जीवन पूरी तरह से उसको जो है गहरे समुद्र में दफन कर दिया जाएगा। बिल्कुल मेरा जीवन जो है उसको गहरे समुद्र में जो है वो दबा दिया जाएगा। अजीजो, हमें जो है
हम ऐसे ऐसा जीवन जो है वो हमारा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि अगर हमारा ऐसा जीवन है तो हम उसका समय रहते हुए इलाज कर लें, हम समय रहते हुए अपने ऐसे जीवन का इलाज कर लें। यहाँ आठवीं आयत में लिखा है कि यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ या दो पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए भला है कि दो आँख रहते हुए तू नरक में की आग में डाला जाए। अजीजो, यहाँ खुदामंद यीशु मसीह जो हैं अपने चेलों को इलाज बता रहे हैं, उसका समाधान दे रहे हैं कि अगर आपका जीवन जो है वो ठोकर का बारिश बन रहा है तो आपके लिए अच्छा है कि आपके जीवन का जो है वो ऑपरेशन किया जाए। आपके जीवन में वो बातें जो आपको स्वर्ग राज में जाने से रोक रही हैं, आपको उन चीज़ों का बलिदान करना है, उनको आपने स्वीकार करना है, उनको जो है आपने सेक्रीफाइस करना है और अपनी खुदी से, अपने आप से आपने जो है इनकार करना है और दूसरों को प्यार करना है, अपने आप को हलीम बनाना है। और इस सजा से बचने के लिए आपके जीवन में जो कैंसर के कीटाणु हैं, आपके जीवन में जो जहर पाया जाता है, उस जहर को आपने जो है उसका खात्मा करना है। और अजीजो, ये खात्मा उस कैंसर के कीटाणुओं का, उस जहर का जो आपके जीवन में पाया जाता है, वो आप परमेश्वर की मदद से उनका इलाज कर सकते हैं। परमेश्वर के मदद से जो है आप उनका इलाज कर सकते हैं और इसके लिए आपको परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है। परमेश्वर दुनिया के तमाम मसीह लोगों को दावत देता है कि अगर आपका जीवन जो है वो दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन रहा है और आप देख रहे हैं कि आपके जीवन के द्वारा दूसरों को आशीष नहीं मिल रही, तो आप समझ लें कि आपके जीवन में कैंसर के कीटाणु पाए जाते हैं, आपके जीवन में जो है वो जहर पाया जाता है और उस जहर की वजह से दूसरे व्यक्तियों का जीवन भी जो है वो जहर में होता जा रहा है और उस जहर को आपको अपने जीवन से निकालने की ज़रूरत है और आपको अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करने की ज़रूरत है। परमेश्वर हमेशा मुझे और आपको अच्छा रास्ता दिखाने के लिए, परमेश्वर हमेशा मेरे जीवन में जो बीमारी पाई जाती है उसको ठीक करने के लिए परमेश्वर हमेशा जो है वो तैयार रहता है। अगर हम अपने जीवन को परमेश्वर के पास लेकर के आते हैं और उससे दरख्वास्त करते हैं, उससे मदद करते हैं, तो वो मेरी और आपकी आवाज़ सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसके कान जो हैं हमेशा मेरी और आपकी आवाज़ सुनने के लिए वो जो हैं खुले रहते हैं और मेरी और आपकी विनती को सुन करके वो मेरे और आपके जीवन में काम करता है, मेरे जीवन से उन तमाम कीटाणुओं को, मेरे जीवन से उस जहर को जो है वो निकालने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है और मेरे जीवन को वो इस बीमारी से दूर करने की ताकत रखता है। परमेश्वर मेरे जीवन को बदलने की ताकत रखता है और परमेश्वर यीशु मसीह मेरे जीवन को आशीषमय जीवन बनाने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। बरसते कि हम खुदामंद यीशु मसीह के पास आएं, काश कि हम अपने जीवन को देखें, काश हम अपने जीवन की जांच पड़ताल करें, काश हम अपने जीवन के ऊपर चिंतन और मथन करें कि हमारे जीवन में जो है कहां पर कमी पाई जाती है, हमारा जीवन जो है वो किस तरह का जीवन है। और अगर हमारा जीवन आशीष में जीवन नहीं है, तो अगर हमारा व्यवहार जो है, अगर हमारा आचार विचार जो है वो अच्छा नहीं है, तो हम जो हैं परमेश्वर यीशु मसीह के पास आकर के उससे
हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू मेरी मदद कर, क्योंकि परमेश्वर हमेशा उन लोगों की खोज में रहता है जो इस दुनिया में खो गए हैं, और यीशु मसीह इस दुनिया में खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया, जिसका जिक्र मत्ती की किताब उसके 18 अध्याय की 10 आयत से 14 आयत तक लिखा है कि जो कोई अपने आप को जो है वो मेरे पास लेकर के आता है और भटकी हुई भेड़ को जो है वो ढूंढने की कोशिश करता है जीवन के द्वारा, तो परमेश्वर उसको आशीष देता है, क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको प्यार करता है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को प्यार करता है। परमेश्वर जो है वो बहुत धीरज से मुझे और आपको प्यार करता है। परमेश्वर का प्यार जो है वो ढूंढने वाला प्यार है। परमेश्वर का प्यार जो है वो खुशी का प्यार है। परमेश्वर जो है परमेश्वर का प्यार वो बचाने वाला प्यार है, और परमेश्वर जो है बिना पक्षपात के मुझे और आपको प्यार करता है। और इसलिए परमेश्वर यहाँ याकूब की किताब और उसके दूसरे अध्याय की 1 आयत से लेकर के 7 आयत तक मुझे और आपको चेतावनी देता है कि हम एक दूसरे को बिना पक्षपात के प्यार करें। परमेश्वर जो है मुझे और आपको चेतावनी देता है कि हमारे बीच में जो है जब कोई व्यक्ति आए तो हम उसकी आर्थिक दृष्टि, उसकी शिक्षा या उसका जो है समाज में कैसा स्थान है वो देख करके उसका स्वागत ना करें, बल्कि उसको ये सोच करके उसका स्वागत करें कि ये मसीह में विश्वासी है, और हम जो हैं उसको दिल से उसका आदर सम्मान करें, हम जो हैं उसका अपने परिवार में सम्मान करें, हम उसका जो है अपने समाज में हम आदर सम्मान करें, हम उसका अपनी कलीसिया में सम्मान करें, और बिना पक्षपात के हम एक दूसरे को जो है वो प्यार करते हुए हम आगे बढ़ते रहें। यहाँ जो है परमेश्वर आखिर में मुझे और आपको पहला योहन्ना उसका अध्याय की उसकी 11 से लेकर के 18 आयत तक यहाँ बताना चाहता है कि परमेश्वर वो कहता है कि हम एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे की परवाह करें, एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की अगुवाई करें और एक दूसरे का आदर सम्मान करें, और ये केवल होठों से नहीं बल्कि दिल से हम जो हैं इन सब चीज़ों को जो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है उनको करने के लिए हम तैयार रहें, और इसके लिए परमेश्वर जो है वो मेरी और आपकी मदद करने के लिए तैयार है। आप आज जो है आज परमेश्वर को पुकारो, परमेश्वर की सुनो, और जैसा परमेश्वर कहता है वैसा ही करो, तो आपका जीवन उन तमाम बीमारियों से जो आपके जीवन में जो कीटाणु पाए जाते हैं, कैंसर के कीटाणु पाए जाते हैं, जहर के कीटाणु पाए जाते हैं, उन कीटाणुओं को निकाल करके आपके जीवन को आशीष में जीवन बनाएगा, और आपका जीवन एक अच्छा जीवन होगा, और अपने चर्च के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मसीह लोगों के लिए आपका जीवन आशीष में होगा। परमेश्वर आप तमाम को आशीष दे। आइए दुआ करें। जमीन और आसमान के बनाने वाले परवरदिगार, इस दुनिया के सृष्टिकर्ता, हम तेरे पास आते हैं क्योंकि परमेश्वर तू हमारा पिता है, और तू अपने बच्चों की देखभाल करता है, चिंता करता है, परवरिश करता है, और परमेश्वर उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसलिए परमेश्वर हम हलीमी के साथ, नम्रता के साथ अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, और परमेश्वर हम तेरे ऊपर निर्भर होकर के हम तेरे पास आते हैं। हम परमेश्वर तेरे ऊपर ही भरोसा करके हम तुझे पुकारते हैं कि खुदामन तू हमारी सुन। हमारे तमाम दर्शकों को परमेश्वर ऐसी तौफीक दे कि वो अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित कर सकें, तेरी सुन सकें, तेरे आवाज़ को सुन करके तेरी शिक्षाओं के ऊपर अपने जीवन को हम तमाम चला सकें, जिससे कि हमारा जीवन अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, अपने समाज में और इस दुनिया में परमेश्वर आशीष का जीवन बन सके, और बहुत से लोग हमारे जीवन को देख करके तुझे अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर सकें। खुदामन तू हमारी अगुवाई कर,
और हमारी इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।